अक्सर विवादों में छाए रहने वाले एल्विस यादव ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया और उनसे एक गुजारिश की है। इसके बाद सभी फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उनको शुक्रिया कहने लगे। तो क्या थी वो ट्वीट, वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नई अपडेट्स लाते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो अड्डा। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में शुरू हुई हिंसा इतनी भड़की कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। उन्हें 5 अगस्त की शाम को गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर स्टॉक किया गया था। उनके बेटे साजेव वाजेद जॉय, जो कि राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पीएम ने राजनीति को अलविदा करने का भी मन बना लिया है। इस बीच एल्विस यादव ने भी इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हुए एक ट्वीट किया है। दरअसल जून महीने में बांग्लादेश की एक कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले के बाद वहां के छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिस कारण कोर्ट को अपने फैसले में बदलाव भी करना पड़ा। लेकिन हिंसा रुकी नहीं, सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 4 अगस्त को मामला इतना बिगड़ गया कि वहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई और प्रधानमंत्री को फौरन इस्तीफा देना पड़ा। देश छोड़कर वो रात भर भारत में रुकी और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बहन के साथ लंदन रवाना हो सकती है। वहीं बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव हमेशा हिंदू धर्म को लेकर वीडियोस बनाते रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपने विचार भी साझा करते हैं। बांग्लादेश की घटना पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके लिखा, जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। एल्विस के इस पोस्ट को उनके दोस्त और चाहने वालों का भरपूर सपोर्ट मिला है। कुछ ने उन्हें हीरो भी कहा, वहीं कुछ ने उनके पुराने वीडियोस भी शेयर किए, जिसमें उन्होंने CAA NRC को लेकर बांग्लादेश सरकार पर हमला बोला था। वहीं कुछ यूजर्स ने एल्विस यादव के इस मुद्दे को उठाने के लिए उन्हें शुक्रिया भी कहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे और भी नई अपडेट्स देखने के लिए स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस पर आपका क्या रिएक्शन है। धन्यवाद।